ऑलवेज ट्रूथ, हमेशा सच बोलते थे। इतना सच बोलते थे कि अगर कोई गैर मुस्लिम सच बोले तो उसको शक की नजर से देखते थे कि तू बहुत सच बोल रहा है, क्या बात है भाई, अंदर अंदर से कहीं मुसलमान तो नहीं हो गया। सिर्फ 99 साल पहले हम ऐसे, और आज जो सबसे ज्यादा झूठ बोले वो हम हैं, जो धोखा दे वो हम हैं, जो अपने बुजुर्गों के नाम पे नाजायज कमाई करे वो हम, जो जलसों के नाम पे लोगों का इस्तेहसाल करे वो हम, जो नेकियों को भी कारोबार बना दे वो हम है, जो काबे की कमाई खाए वो हम है, जो मजारों की कमाई खाए वो हम है, सूद खाने वाले हमारे अंदर, जिना करने वाले हमारे अंदर, हम वो मुसलमान नहीं है। मगर यार तवज्जो, अल्लाह करे समझ में आ जाए। कहा तो अल्लाह ने है, कैच करो, किसने कहा? और ये कयामत तक है कि तुम जैसी कोई उम्मत नहीं। मामला क्या है? मैं मानता हूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत जो है वो कोई खास नहीं थी, मगर यार कुछ तो थे जो उनकी सफवत पे नाश करते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैरे उम्मत नहीं कहा। मैं मानता हूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत बहुत सरकश थी, चालबाज थी, लेकिन यार कुछ तो थे कि नहीं, बोलिए। मैंने आपसे क्या कहा है, वो सीमांचल का जो रवायती अंदाज है जलसों का, उससे थोड़ा हट के और अपने दिल को गुम्बदे खजरा से सट के जरा ऐसा सुनो कि मजा आ जाए, वरना फिर ये जलसा नहीं नुमाइशी रह जाएगी। हाँ बिल्कुल, जलसा बराए जलसा यहाँ बहुत होता है, आज कम से कम जलसा बराए मकसद कर लो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है, वाह वाह वाह, कुछ लेके उठो। जलसा तो वाह हुआ तो चलता रहता है, तो हौसले से सुनो ताकि अगर कोई गैर आया हो तो कह सके नहीं यार हम पहले भी गर्म थे आज भी गर्म है। तवज्जो के साथ, जिंदगी के साथ देखिएगा। मैं मानता हूं कि हजरत दाऊद और सुलेमान की उम्मत भी कोई आइडियल नहीं थी, मगर कुछ तो थे, कुछ तो थे जो हजरत दाऊद की कुव्वत पे नाश करते थे, कुछ तो थे जो जनाब सुलेमान की सल्तनत और बादशाहत पे नाश करते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैरे उम्मत का ताज नहीं पहनाया, टाइटल नहीं दिया। राज क्या है? अल्लाह ताला ने आदम को सफवत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, नूह को शुक्र की दौलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, इब्राहिम को खुल्लत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, इस्माइल को ज़बहो इसार दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी, दाऊद को कुव्वत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, सुलेमान को बादशाहत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, यूनुस को इस्तकलाल की दौलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, जनाब मूसा को वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा का ताज पहना दिया मगर उन्हें भी कुंतुम खैरा उम्मतिन की सौगात नहीं दी, हजरत ईसा को वउब्रिउल अकमह वल अबरस वउहयिल मौता बेइज़्निल्लाह की कुंजियां दे दी मगर उनकी उम्मत को भी खैरे उम्मत नहीं कहा, और हम कयामत तक खैरे उम्मत। हाय हाय, हमसे अच्छी कोई उम्मत नहीं, हमसे अच्छे कोई अनुयायी नहीं। या अल्लाह मामला क्या? अरे जिन अच्छों को देखकर हमें अच्छा कहा है, अब तो ऐसा अच्छा कोई मिलता ही नहीं, फिर हम कैसे? राज क्या है? तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। राज क्या है? तो मैं इसी ख्याल में उलझा था कि रहनुमाई हुई, आवाज आई, कहा सुन सुन, तू उम्मत को देख रहा है, अल्लाह करे समझ में आ जाए, उम्मत को देख रहा है इसलिए तुझे जवाब नहीं मिलता। अरे नादान, उम्मत को ना देख, नबी को देख। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उम्मत को ना देख, जोर से बोलो किसको देख, इधर वाले बोलो किस। आपने तो माशाल्लाह लग रहा जाग गए हो, क्योंकि मैं आधा मेरे मुंह में था और आधा आपने कैच कर लिया, अब पूरा मैं कर रहा हूं। हौसले से सुनना, उम्मत को न देख, किसको देख?
नबी को देगा सुन जिस तरह मेरा नबी, मेरा महान नबी, बंगला में कहें तो अमर सोनार नबी, मेरा प्यारा नबी तमाम नबियों में सबसे अफजल आलो और महान है, उसी तरह उनकी उम्मत भी तमाम उम्मतों में अफजल आला और महान। वाह 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 वाह, लाजवाब, जिंदाबाद, माशाल्लाह। समझ गए, तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्को मोहब्बत ने पूरी मोहब्बत की मस्ती में झूम के कहा कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। एक बात बताऊं, मैं समझता हूं उन लोगों की, अब मैं उनका नाम लेके अपने मुंह का वजू खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब रात बूढ़ी हो गई है, और जब जवान थी तो बच्चे पढ़ रहे थे, जब जवानी ढली तो कुछ खुतबा शुरू हुए, और जब थोड़ी सी बूढ़ी हुई तो मौलाना इकबाल साहब ने बुढ़ापे में जवानी का रंग दिखाया, अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, और जब बिल्कुल बूढ़ी हो गई तो फिर हबीबुल्ला फैजी साहब को मधु किया गया, और जब इतनी बूढ़ी हो गई कि रात के चेहरे पे झुर्री पड़ गई, देखने लायक नहीं रही, इतनी बदशकल हो गई, तब मुझे बैठाला गया। अब मैं मानता हूं कि कुछ बाल मेरे भी सफेद हो रहे हैं, लेकिन अभी इतना बुरा हाल नहीं हुआ है कि इसी बुढ़िया रात थमाई जाए। अब थमा दिया है तो हाथ उठा के दुआ कर दो कि अल्लाह इस बुढ़िया रात से मेरा निबाह करवा दे, ताकि रात ढलती रहे, नबी की बात चलती रहे। तैयार हो ना, तो बिल्कुल बेदारी से। मैं समझता हूं उन लोगों की गलतफहमी दूर हो गई होगी जो शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर काओ काओ करते हैं। जो ये कहते हैं कि हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम लोग हर तरफ तबलीग का काम करते हैं, उनसे कहना मुल्ला जी हम इसलिए अच्छे नहीं हैं, हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे मुस्तफा अच्छे हैं। वाह वाह, हम इसलिए भालो और प्यारे हैं क्योंकि हमारे आका प्यारे हैं, हम इसलिए लाजवाब हैं क्योंकि हमारे मुस्तफा लाजवाब। तो ये निस्बते पाके मुस्तफा का फैज है कि अच्छे नबी की उम्मत है तो अच्छी उम्मत हो गए। लेकिन यार अच्छे बन जाओ, नहीं बने तो फिर तुम्हारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों में। और अच्छे बनने के लिए जरूरी है कि अल्लाह से डरना शुरू करो, समझे आप, यू हैव ए फियर ऑफ अल्लाह सुबहानहु व तआला, इतना जरूरी है। हजरत ख्वाजा उवैस करनी जंगल में इबादत कर रहे थे, नाम सुना है उवैस करनी का, शबे बरात का हलवा कुछ याद आ रहा है, बिन देखे ये आलम था वैसे करनी का, सरकार के सुन सुन के खबर झूम रहे, जंगल में इबादत कर रहे थे, बकरियां उनकी आराम से घास खा रही थी। तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना, ए बाबू कोई बात अगर हम धीरे से कहें हल्के में तो उसे हल्के में ना लिया करो, कभी कभी मैं जोर का झटका बड़ी धीरे से देता हूं, पूरी तवज्जो से सुनना, ये तकरीर का रस। जंगल में इबादत कर रहे थे, बकरियां सुकून से घास चर रही थी, एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा, भेड़िया समझे, हाइएना अंग्रेजी में कहते हैं, हाइएना, बात समझ में आई ना, लकड़बग्घा भेड़िया लंबे दांत वाला। अब मैं शेर होता तो मैं मान जाता, शेर जितना डेंजरस होता है ना, जितना खतरनाक, उतना ही गैरतमंद भी है। अगर शेर पेट भर के खाना खा ले तो उसके सामने बकरी भी आ जाए मुंह नहीं लगाएगा, पेट अगर भरा है, आप पेट भर के खिला दो, आप उसके साथ टहल घूम सकते हो। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा। मैं आज से 5-6 साल पहले गालिबन 2016 में जब मैं जिम्बाब्वे और जम्बिया के दौरे पे था तो जंगल में गया, शेर दिखा, उसके साथ रेंजर भी था, मैंने कहा भाई इसे खिलाया कि नहीं, कहा खिला चुका हूं, मैंने कहा फिर रस्सी छोड़ो मैं इसके साथ चलता हूं, और 500 मीटर तक शेर के साथ मैंने वॉक किया,
सिर्फ एक पतला सा डंडा मेरे हाथ में था, क्योंकि मैं जानता हूं ये खुददार है। इसीलिए तो अली को उम्मत का शेर कहते हैं, खुददारी है। मगर भेड़िया ऐसा दरिंदा है कि अगर पेट भर के नहीं गर्दन तक खा ले और सामने बकरी दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए ना लेकिन नोचेगा जरूर। और यहां अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय मंजर, भेड़िया जो है वो गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है, बकरियां आराम से घास खा रही। एक राहगीर का गुजर हुआ, मुसाफिर का, उसने अनबिलीवेबल सीन देखा तो पूछा, बाबा तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे समझ में आ जाए, बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? का तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता? वाह वाह, हाय हाय हाय, मैं जानता हूं ये 10 बजे कहता ये बात तो जरा और तेज आवाज निकलती है, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूं आप कैसे सुन रहे हो। मेरी बकरियां भी इससे नहीं डरती। वो क्यों? का सुन, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता। अच्छा, हाँ सुन, अल्लाह करे आप भी समझ जाएं। फरमाते हैं कि जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था, जब से मैं अल्लाह से डरने लगा ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए मुसलमानों मेरे अजीजों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज में छुपे हुए भेड़िए हमसे डरे, अगर तुम चाहते हो कि हमें दो नंबर का शहरी बनाने वाली साजिशें हमसे कब का पाए, अगर तुम कुफर के ताबूत पर आखिरी कील ठोक कर इस्लाम का झंडा बुलंद करना चाहते हो, तो तुम्हें कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई अनैतिक कार्य करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं। अगर तुम खुदा के दुश्मनों को डराना चाहते हो तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हलीमी, फैजाने बाबा हुजूर, मसलके आला हजरत। आज हम सबसे इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया, हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। खाने पीने में हलाल हो या हराम, पैसा हो चाहे जैसा हो, हम ये भूल गए कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, ये हम भूल गए। बस इसको अपने सीने की तावीज बना लो कि अल्लाह देख रहा है। इज्जत रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तेरा ये ईमान पक्का हो गया कि अल्लाह देख रहा है, तो तू ऐसा मुसलमान बन जाएगा कि तुझे देखने वाला कहेगा ये मुसलमान नहीं है, ये तो चलता फिरता इस्लाम नजर आ रहा, चलता फिरता इस्लाम नजर आ रहा। बात समझ में आ रही है? अब आइए तस्वीर का एक दूसरा रुख देखता हूं। बात उम्मत की चल रही थी इसलिए मैं वहां से हटना नहीं चाह रहा हूं। आपने सुना होगा, उलमा से सुना होगा, इम्मा से सुना होगा, जुमा में सुना होगा। अगर इंजॉय करने जलसे में नहीं आए होगे, कुछ समझने आए होगे, तो जलसे में भी सुना होगा कि पिछली उम्मतों पर अल्लाह का आजाब आया। सुना है ना? जिन लोगों ने सुना है सिर्फ वही हाथ उठाएं ताकि मैं उसी हिसाब से बयान करूं। 20 25 35 45 100 200 माशाल्लाह अच्छे खासे लोग। सुना है कि पिछली उम्मतें जो हैं ठुकाई हुई है उनकी, है ना, अल्लाह का आजाब आया। ये और बात है, किसी पे हल्का आजाब, किसी पे दरमियाना, और किसी पे तो इतना भारी कि खुद भी गए, पूरी उम्मत ले गए, पूरी दुनिया ले गए। उलमा जानते हैं कि उनका जुर्म तो बहुत कुछ था, लेकिन ए इधर मेरी तरफ, आप लोग भी अगर ऐसा करोगे तो फिर सामने वाले कैसा करेंगे? मेरा दो कान नहीं, अल्लाह जाने कितने कान। तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी के साथ देखिए।
पूरे हौसले के साथ, क्योंकि मैं बात को बड़ी तेजी से समेट के खत्म करने की तरफ जा रहा हूं, और आपके इस बैठने को देख के मुझे ये लुत्फ आ रहा है कि जब इस बुढ़िया रात में सुन्नी इतना जवान होता है तो फिर जवान रात में कितना जवान होता। अल्लाह आपका सुनना कबूल फरमाए। किसी पर तो ऐसा अजाब कि खुद गए पूरी दुनिया ले गए, जुर्म बहुत थे लेकिन एक जुर्म सब में कॉमन था, और वो क्या था? नबी का अपमान करना, इंसल्ट करना, तौहीन करना, ये आम था। अल्लाह का अजाब आ जाता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत ने अपने नबी नूह से कहा, ऐ नूह तेरे पास भी दो आंख, मेरे पास भी दो आंख, आपके पास भी दो कान, मेरे पास भी दो कान, आपके पास भी एक मुंह, मेरे पास भी एक मुंह, मा नराक इल्ला बशरम मिसलना, ऐ नूह हम तुम्हें एक साधारण मनुष्य के सिवा कुछ नहीं समझते। सिर्फ इतना कहा था। जोर से बताना, अपमान किया कि नहीं नबी का? बोलो। हजरत नूह एक चट्टान पे खड़े होके कहते हैं, रब्बी ला तदर अलल अर्द मिनल काफिरीन दयारा, ए अल्लाह रूहे जमीन को काफिरों से पाक कर दे। ऐसा प्रलय आया, ऐसा तूफान आया कि पूरी दुनिया डूब गई, सिर्फ वही बचे रहे जो नूह की नाव में बैठे थे। वाह वाह। मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझो कि हम कितने खुशनसीब हैं, बस हम भूल जाते हैं चमक दमक में दुनिया के। तवज्जो चाहूंगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत बुरा काम करती थी, नबी ने रोका तो उन्होंने नबी से क्या कहा? अपने रब से कह दो हम पर आग बरसा दे, हम ये काम नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ इतना कहा था। कुरान की याद पुकार उठी, व अमतरना अलैहिम मतरन फसा मतरुल मुंदरीन इल्ला अजूजन फिल गाबिरीन थुम्मा दमरनल आखरीन। ऐसा आग का शोला आसमान से गिरा कि पूरी उम्मत जल के भस्म हो गई, स्वाहा हो गई। आज भी जाओ तो वो जमीन जरका का मकाम पैलेस्टाइन के करीब में मौजूद है, जहां 60-70 किलोमीटर तक आज भी जमीन काली है। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन करना। क्या था? अरे ऐसा बोलो कि तौहीन करने वालों का पैजामा खराब हो जाए। क्या था? नबी की तौहीन करना, ये जुर्म। हजरत हूद और सालेह की उम्मत अपने नबी की तौहीन करती थी, ऐसा अजाब आया कि अलहाकतुम अलहाका वमा अदराका मलहाका। ये पूरा रुकू है, वक्त मेरे पास नहीं है। 7 रात और 8 दिन तक आंधी मंडराती रही कौम आद पर, कभी इंसान उड़ के ऊपर कभी नीचे, और गिरता था तो ऐसे लगे जैसे खजूर के पेड़ से छाल टपक रही है। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन। हजरत मूसा ने अपनी कौम से कहा, चलो फिरौन से मुकाबला किया जाए, तो कौम ने कहा, या मूसा इधब अंत व रब्बी का फकातिला इन्ना हाहुना कायदून, ऐ मूसा जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। तौहीन किया कि नहीं? ऐसा आजाब आया कि वहीं बैठे रह गए, दरियाए नील निगल गई उनको। आपसे मैं पूछता हूं कि राज क्या है? एक के बाद एक अजाब आ रहा, किसी पे हल्का, किसी पे दरमियाना, किसी को पत्थर बना दिया, किसी को बंदर बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, मगर मुस्तफा जाने रहमत ने जब अपना पावन पवित्र चरण इस धरती पे रखा, अजाब का आना बंद, अजाब का आना बंद, रहमतुल्लिल आलमीन आ गए, अजाब आना बंद। वाह। तवज्जो। एक फिरौन था, अजाब आ गया। एक शद्दाद था, अजाब आ गया। एक नमरूद था, अजाब आ गया। एक हामान था, अजाब आ गया। हुजूर के जमाने में तो सिर्फ मक्के में दर्जनों फिरौन थे, सिर्फ मक्के में दर्जनों नमरूद थे, अबू जहल, अबू लहब, अतबा शैबा, उमैया बिन खलब, वलीद बिन मुगीरा, मैं किस किस का नाम बताऊं? मेरे नबी को तड़पाया गया फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं, उन्हें जादूगर कहा फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं, उन्हें ज्योतिषी कहा फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं, कुरान की आयतों को कविता कहा फिर भी अजाब
आने को तैयार नहीं। आका की राहों में कांटे बिछाए गए फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। नबी के जिसमें पाक पर ऊंट की नापाक ओझड़ी फेंकी गई फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। मक्के में जनाबे अबू तालिब के शाबे अबी तालिब में जनाबे मुस्तफा को पूरे परिवार सहित 2.5-3 साल तक नजर बंद रखा गया, खाने पीने से महरूम, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। रात ही रात मेरे आका को मक्के से मदीने जाना पड़ा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। जालिमों ने मदीने में भी राहत से न रहने दिया बल्कि बदर उहद, खैबर और खंदक में तलवार उठानी पड़ी, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। नबी के जाहिरी पर्दे के बाद दौरे सिद्दीकी में मुनकिरीन ज़कात का फितना आया, फिर भी अजाब नहीं आया। दौरे फारूकी में सबाइयों का फितना आया, फिर भी अजाब नहीं आया। दौरे उस्मानी में बलवाइयों का फितना आया, फिर भी अजाब नहीं आया। दौरे हैदरी में खारजियों का फितना आया, फिर भी अजाब नहीं आया। दौरे हसनैन में यजीदियों का फितना आया, फिर भी अजाब नहीं आया। एतेजाल का फितना आया, फिर भी अजाब नहीं आया। नेचरियत का फितना आया, फिर भी अजाब नहीं आया। शियत और रिफ्ज का फितना आया, फिर भी अजाब नहीं आया। चकड़ालवियत का फितना आया, फिर भी अजाब नहीं आया। बाहियत का फितना आया, फिर भी अजाब नहीं आया। और सबसे आखिर में तमाम फितनों की अम्मा वहाबियत और नजदीयत सल्फियत और देवबंदियत का फितना आया। नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखा गया, फिर भी अजाब नहीं आया। उनको हाजिर और नाजिर न माना गया, फिर भी अजाब न आया। न मुस्तफा के इख्तियार पर उंगली उठाई गई, फिर भी अजाब न आया। मेरे नबी की शान में खुलेआम मुनज़्ज़म तरीके से गुस्ताखी की गई, फिर भी अजाब नहीं आया। मैंने चांद से पूछा है, चांद तू फट क्यों नहीं गया? ए सूरज तू पलट क्यों नहीं गया? ए जमीन तू क्यों नहीं पलटी? आखिर राज क्या है? अरे आदम सफीजुल्ला की तौहीन पर आ जाए, लेकिन मुस्तफा की तौहीन पर रुका हुआ। नूह नजीजुल्ला की तौहीन पर आ गया और आका हबीबुल्ला की तौहीन पे रुका है। ए कुरान तू बता, तू बता, क्योंकि तूने पिछले अंबिया पिछले नबियों की उम्मत पर उतरने वाले अजाब की खूब दास्तान बयान की है। तू बता, अब तो एक एक शहर में नमरूद सैकड़ों हैं, हजारों हमानों शद्दाद गांव में मिलते हैं, अब अजाब क्यों रुका है? अजाब क्यों रुका? मैं इसी ख्याल में उलझा था कि कुरान की आयत करीमा ने हमारी रहनुमाई की। तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो। कुरान ने पुकार के कहा, सुन सुन, मा कान अल्लाहु लियुअज्जिबहुम वअंत फीहिम। ए महबूब, अल्लाह का अजाब इन पर कैसे आवे जब इनके बीच में आप मौजूद हो? आए आए आए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिफात मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, खानदान मुस्तफा। देखिए कितने लोग लफ्जों को कैच करते हैं। ऐ नबी आप मौजूद हो, हाउ कुड अल्लाह सुब्हानहू वतआला ब्रिंग हिज अज़ाब अपॉन देम, यू आर स्टिल अमंग विद देम। आप उनके दरमियान, देखे कितने लोग कैच कर रहे हो, यानी आप हटो तब ना अजाब आए। हाय 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 हाय, कैच करो यार, आप हटो तब ना अजाब आए। आप तो मौजूद हो, आपका अस्तित्व वहां है, आप मौजूद हो, आप जब तक रहोगे अजाब नहीं आएगा। ये रब का वादा है, रब का वादा कि कयामत तक अजाब नहीं आएगा, क्योंकि कयामत तक नबी मौजूद। सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, लगभग 1500 बरस हो गए, लगभग 1500 बरस हो गए हुजूर के मिलाद को, कितने जोर से बोलो, 1500 ईयर्स पास्ट, हो सकता है एक दो साल आगे पीछे हो, 1500 बरस हो गए। ईमानदारी से बताना, तब से लेके अब तक अजाब आया? ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया बह गई, या आग ऐसा बरसे कि सब जल के स्वाहा हो गए, या इंसान बंदर बन गए, ऐसा कुछ हुआ? जोर से बोलो, इधर वाले बोलो, क्यों? क्योंकि अभी तक नबी मौजूद। आए है, अभी तक नबी जिंदा, अभी तक नबी,
और कयामत तक नबी जिंदा, तो इन मुर्दों से कहो तुम मुर्दा, तुम्हारे अकायद मुर्दा, तुम्हारे नजरियात मुर्दा, हम तो उस जिंदा नबी को मानते हैं जो ऐसा जिंदा कि मदीने में भी जिंदा, सुन्नियों के सीने में भी जिंदा। हाय 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 माशाल्लाह, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह, एक मिनट रुक जाओ, तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत, और जोर से, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्को मोहब्बत दरियाए रहमत कंजुल करामत जबलुल इस्तेकामत हक्कानियत की शान सुन्नियों की जान अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिजवान कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला है। हाय हाय वाह वाह माशाल्लाह, अल्लाह वाह 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 माशाल्लाह, तो इनसे कहो जो हमें आंख दिखाते हैं, और ये कहने से ना मैं डरता हूं ना मेरा बाप डरता, उनको शांति से समझा दो जो हमें दो नंबर का शहरी बनाने की साजिश कर रहे हैं, बल्कि उससे आगे बढ़ो, इन यहूदियों को और उनकी गोद में खेलते हुए सऊदियों को, दोनों को समझा दो हमें आंख मत दिखाना, इस्लामोफोबिक बीमारी के शिकार हो तो घर में रहो, हमें हर दाढ़ी और टोपी में तुम्हें आतंकवादी नजर आता, हमें ताने मत देना, बल्कि हमारा पांव चूमो, बल्कि उसे धोकर उसका शरीश पियो, तब जाके हमारा हक अदा होगा, वरना हकीकत ये है कि अगर अगर तुम में हम ना होते तो तुम भी ना होते। हाय 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 हाय, क्या कहने, जिंदाबाद माशाल्लाह, तुम में हम ना होते तो तुम भी ना होते, तुम बचे हो क्योंकि तुम्हारे बीच में हम, और हम बचे हैं क्योंकि हमारे बीच में मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब चलते चलते सलाम पढ़ने से पहले, क्योंकि अभी तो हजरत भी तशरीफ लाने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको इसी तरह जम के बैठना है, और दस्तारबंदी, अरे अरे ये नूरानी इतना नूरानी मंजर छोड़ के कैसे जाएगा, है ना। तो मैं बस चलते चलते एक फाइनल टच दे के जाना चाह रहा हूँ। मैंने देखा आज माशाल्लाह मेला लगा है, और एक साहब कहने लगे कि आमतौर पे ये ऐलान होता है सिर्फ ठंडक में कि जलसा जो है वो 1 बजे तक खत्म कर दिया जाए, उसके बाद दस्तार हो ये वो जो भी है, लेकिन यार ये तो 1:30 बज गया, 1:35 हो गया, और सब जमे हैं, और मेरे जो साथी खड़े थे वो अभी तक खड़े हैं, न कोई हिलने को तैयार, और जो लोग दो चार उठते हैं वो इस जरूरत से फारिग होके आ भी जाते हैं। तो यार ये जलसा खत्म कब होगा, तब लोग उसने कहा देखो जलसा कब खत्म होगा वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हम लोग तब तक रहेंगे जब तक नूरानी मियां है। वो क्यों यार, जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता है, नेचुरल बात है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो कोई है माइक वाला जो ये माइक हटा सके, नहीं हटाएगा, ये माइक ऐसे ही रहेगा क्योंकि नूरानी मौजूद है, मैं ये मौजूद समझा रहा हूं, मौजूद। ये कुर्सी न दाएं होगी न बाएं होगी न आगे होगी न पीछे, क्योंकि नूरानी मौजूद है। ये सब लोग इसी तरह बैठे हुए हैं क्योंकि नूरानी मौजूद है, लाइट जल रही है क्योंकि नूरानी मौजूद है, शामियाना लगा है क्योंकि नूरानी मौजूद है, और इस बूढ़ी रात में आप भी जमे हुए हैं क्योंकि नूरानी, क्योंकि जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता है, ये नेचर है।
हाँ जब मैं चला जाऊंगा दस्तार हो जाएगी, सलातो सलाम हो जाएगा, हजरत बाबू हुजूर भी रुखसत हो जाएंगे, तब देखना कि यहाँ कुत्ते घूमते नजर आएंगे। हाँ अगर किसी का घर बहुत दूर है, टैक्सी नहीं, तो यहाँ सो जाएगा, लेकिन अक्सर यही होगा। लाइट बुझा दी जाएगी, कुर्सियों को हटा दिया जाएगा, बल्ब को बुझा दिया जाएगा, सुबह तक शामियाना भी हटा दिया जाएगा। फिर जब कोई कहेगा यार अभी तक तो बड़ी रौनक थी, अब क्या हुआ, कहें जिनके लिए रौनक थी वो गया, जब तक वो था बज़्म चल रही थी, वो गया रौनक ले गया। बिला तस्बीह यही तो रब ताला फरमा रहा है, ए महबूब अजाब आए कैसे, अजाब आए कैसे, सूरज बनाया तुम्हारे लिए, चांद बनाया तुम्हारे लिए, चांदनी तुम्हारे लिए, कलियों की चटक तुम्हारे लिए, गुंचों की चहक तुम्हारे लिए, फूलों की महक तुम्हारे लिए, आबशार के नगमे तुम्हारे लिए, सितारों की रोशन कंदीलें तुम्हारे लिए, अरे बरगो समर तुम्हारे लिए, शमसो कमर तुम्हारे लिए, खुशको तर तुम्हारे लिए, बहरो बर तुम्हारे लिए, सीमो जर तुम्हारे लिए, लालो गोहर तुम्हारे लिए। तभी तो आला हजरत ने कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे, बने दो जहां तुम्हारे, अरे हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां।